हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोचीन शिपयार्ड शेयर के ऊपर। इन डिटेल में बात करेंगे तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए बात करते हैं कोचीन शिपयार्ड शेयर में। अगर आज देखेंगे तो आज भी इस स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम हम लोगों को मॉर्निंग सेशन में देखने को मिला, बट उसके बाद ऊपर के लेवल से इस स्टॉक में जो है कंटिन्यूसली हम लोगों को एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन से अगर बात करेंगे तो स्टॉक में क्लियरली आपको दिख रहा है, जो स्टॉक जो है आपको एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे स्टॉक में ज़्यादा बड़ा मोमेंटम हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए अब चार्ट्स के ऊपर चलते हैं और बात करते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग चार्ट के ऊपर बात करेंगे तो क्लियरली आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो ऊपर के लेवल से कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर इस लेवल पे देखने को मिल रहा है। फिर भी स्टॉक में जो है यहाँ पे ज़्यादा फॉल देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे सेलर्स एग्रेसिव जरूर हो रहे हैं। सेलर्स इस लेवल पे इसलिए एग्रेसिव हो रहे हैं क्योंकि ये एक रेसिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करते हैं तो क्लियरली आपको दिख रहा है जो ये एक रेसिस्टेंस लेवल है। इस वजह से यहाँ पे आपको सेलिंग प्रेशर जरूर देखने को मिल रहा है, बट बायर्स भी नीचे से लेवल को होल्ड कर रहे हैं। बायर यहाँ पे गिव अप नहीं कर रहे हैं, और जब तक यहाँ पे बायर गिव अप नहीं करते हैं, जब तक यहाँ पे बायर और सेलर के बीच में फाइट चलते रहता है, आपको पोजिशन नहीं बनाना है, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अब अगर इसको यहाँ पे बायर्स डोमिनेट करते हैं तो ऊपर की साइड ब्रेकआउट होगा, सेलर्स डोमिनेट करते हैं नीचे की साइड में ब्रेकडाउन होगा। लेकिन नीचे की साइड में अगर ब्रेकडाउन होता भी है तो आपको इमीडिएट मल्टीपल लेवल पे सपोर्ट है, तो यहाँ पे जो है डाउनफॉल बहुत ही लिमिटेड होने वाला है। डाउनफॉल एग्रेसिव नहीं होगा, यहाँ पे लिमिटेड होगा। तो डाउन साइड के लिए हम लोगों का व्यू अभी नहीं है। इस स्टॉक में ज़्यादा फॉल देखने को आपको नहीं मिलेगा, इनकेस अगर ब्रेकडाउन भी होता है। अगर 550 के लेवल के नीचे जब तक स्टॉक नहीं निकलता है, इस स्टॉक में आपको ज़्यादा बड़ा गिरावट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टॉक के पास मल्टीपल लेवल पे सपोर्ट है। यहाँ पे जो है आपको मल्टीपल सपोर्ट है, इसी वजह से अब इस स्टॉक में बाई का पोजीशन हम लोग तब बनाएंगे जब स्टॉक यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट दे देगा। एक बार ब्रेकआउट दे दे स्टॉक यहाँ पे 690 के लेवल के ऊपर, स्टॉक में अगर डेली कैंडल क्लोज हो जाता है, कल के सेशन में अगर कैंडल क्लोज हो जाता है जो कि वीकली क्लोजिंग भी होगा, तो फिर हम लोगों को एक अच्छा मोमेंटम यहां पे देखने को मिल सकता है। लेकिन यहां पे आपको दिख रहा है जो स्टॉक में एक हायर है, हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा है, तो एक रिट्रेसमेंट भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वेट करेंगे, अगर यहां पे 690 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देके क्लोज दे देता है कल के सेशन में, तो वेल एंड गुड, हम लोग यहां पे बाई करेंगे। अगर नहीं देता है तो फिर हम लोग यहां पे वेट करेंगे। इन केस आप यहां पे इस स्टॉक को नीचे के लेवल से होल्ड कर रहे हैं, यहां पे आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। 1000 का लेवल जो है आपको देखने को मिल सकता है जैसे ही स्टॉक 690 के लेवल के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। तो कंटिन्यूसली फंडामेंटली भी हम लोग देख रहे हैं, जो डिफेंस का बहुत सारा ऑर्डर है जो कि इसके पास, इस कंपनी के पास पड़ा हुआ है। ऑर्डर बुक काफ़ी ज़्यादा है, और जैसे जैसे ऑर्डर फुलफिल होगा वैसे वैसे आपको रेवेन्यू भी आएगा, साथ ही साथ जो है प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगा। और टेक्निकली भी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है कंपनी, तो यहाँ पे टेक्निकली भी आपको अभी इस स्टॉक में कोई भी बियरिसनेस नहीं है। अगर होल्ड कर रहे हैं तो होल्ड कीजिए, फ्रेश पोजीशन लेना है वेट कीजिए ब्रेकआउट का, उसके बाद आपको एक अच्छा फ्रेश पोजीशन मिल सकता है। आई होप आप लोगों को सही पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।